तो दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच किस तरह का विवाद है ये तो अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। बॉयकॉट मालदीव्स और लक्षद्वीप आजकल ट्रेंड कर रहा है। खबर तो ये भी है कि गूगल के सर्च इंजन में लक्षद्वीप को इतनी बार सर्च कर लिया गया है कि भारत के इस द्वीप ने गूगल का 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिलहाल अगर आपकी भी मालदीव जाने की बुकिंग कैंसिल हो गई है और आपको भी ऐसी जगह जाना हो जहाँ ब्लू वाटर्स हो, तो देर मत कीजिए और लक्षद्वीप का टिकट कटा लीजिए। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप घूमने का बेस्ट टाइम क्या है। लक्षद्वीप में घूमने के लिए आप अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने के बीच में जा सकते हैं। बारिश के मौसम में अधिक पर्यटक नहीं आते हैं। वैसे यहाँ के रिजॉर्ट हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में लक्षद्वीप जाना बेकार है, क्योंकि उस वक्त आप कोई भी वाटर एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि अक्टूबर से लेकर मई महीने के बीच में जाएं। अब बात ये कि लक्षद्वीप कैसे जाए, तो आपको बता दें कि लक्षद्वीप घूमने के लिए आपको हवाई जहाज और समुद्री जहाज से यात्रा करनी होगी। लक्षद्वीप अगर आप क्रूज के जरिए जाते हैं तो कोची से लक्षद्वीप तक 14 से 20 घंटे के क्रूज का सफर के लिए आपको 2,000 से 5,000 तक का खर्चा आ सकता है। वहीं फ्लाइट से 5,000 से 6,000 तक का खर्चा आ सकता है। एक बार आप लक्षद्वीप पहुंच गए तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल, रिजॉर्ट और रेंट पर रूम मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार रूम को ले सकते हैं। होटल या रूम आपको यहाँ 1,500 से 2,000 तक मिल जाएगा, यानी कि एकदम नॉमिनल। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो 30 से 40 हजार में आपका बढ़िया फैमिली ट्रिप हो जाएगा। अब लक्षद्वीप पहुँच कर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लक्षद्वीप में घूमना कहाँ है, तो भाई हम किस लिए बैठे हैं, चलिए आज आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में वो कौन कौन सी जगहें हैं जो आपके हॉलिडे को और शानदार बना सकती हैं। कवराती आइलैंड। कवराती द्वीप को लक्षद्वीप की जान कहा जाता है। लक्षद्वीप कवराती द्वीप की राजधानी है। ये जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सफेद रेत वाले इस आइलैंड से खूबसूरत सनसेट देखा जा सकता है। कवराती में आप कम से कम 2 दिनों के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पर आप बीच का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर इतनी शांति है कि आप घूमने के साथ साथ रिलैक्स भी कर सकते हैं। लक्षद्वीप का ये पर्यटक स्थल कोची से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्षद्वीप घूमने आने वाले सबसे अधिक पर्यटक इस द्वीप पर घूमने के लिए आते हैं। मरीन म्यूजियम। ये जगह लक्षद्वीप के करवती के आइलैंड पर मौजूद है। अंडर वाटर दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है ये आपको इस म्यूजियम में आकर पता चलेगा। आप मरीन संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के समुद्री जानवर को देख सकते हैं। इस म्यूजियम में शार्क के स्केलेटन से लेकर अनेक मछलियां देखने को मिलेगी। यहाँ 1 से 2 घंटे रुका जा सकता है। अगर आप लोग समुद्री जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस संग्रहालय में आकर देख सकते हैं। मरीन संग्रहालय सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद हो जाता है। कल्पेनी द्वीप। लक्षद्वीप का ये बहुत ही फेमस आइलैंड है। इसकी समुद्री लहरों को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इन लहरों के कारण यहाँ का दृश्य बहुत बेहतरीन हो जाता है। इस आइलैंड को कोई फैनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप 3 अलग अलग द्वीप से मिलकर बना हुआ है। इस द्वीप पर भी आप कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नौकायन, केनोइंग, कायकिंग आदि कई प्रकार की एक्टिविटीज कर सकते हैं। मिनी कॉय द्वीप। मिनी कॉय द्वीप इस जगह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जहाँ पर खाना खाने और रुकने के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पर 2 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। लक्षद्वीप का ये द्वीप कोचीन आइलैंड से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। इस द्वीप पर आपको सफेद चट्टाने दिखेंगी, साथ ही अरब सागर का नीला पानी देखने को यहाँ आ सकते हैं आप। पिट्टी बर्ड सेंचुरी। अगर आप कल्पेनी आइलैंड पर रुके हैं तो यहाँ से छोटी नाव लेकर पिट्टी बर्ड सेंचुरी तक आ सकते हैं। इस छोटे से आइलैंड पर आपको अलग अलग तरह के पक्षी नजर आएंगे। यहाँ 2 से 3 घंटे बर्ड्स को देखने के लिए रुका जा सकता है। अमीनी बीच। स्कूबा डाइविंग के लिए लक्षद्वीप का अमीनी बीच खासा पॉपुलर है। सिर्फ स्कूबा डाइविंग ही नहीं, यहाँ पर आप अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के अलावा यहाँ स्नॉर्कलिंग, रीफ वॉकिंग और कायकिंग का मजा ले सकते हैं।
आप यहाँ कम से कम 6 से 7 घंटों का वक्त बिता सकते हैं। बच्चों के साथ जाइए या फ्रेंड्स के साथ, ये जगह आपका पूरा ट्रिप मजेदार कर देगी। बंगारम द्वीप, ये जगह बंगारम द्वीप की सबसे अच्छी जगह है। इस द्वीप को रत्नों के द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज है। बंगारम द्वीप पर आने वाले पर्यटक यहाँ पर मछलियों के साथ तैरते हैं। इसके अलावा आप वाटर एक्टिविटी और सनसेट सनराइज का लुत्फ ले सकते हैं। यहाँ की शाम अगर आपको एंजॉय करनी है तो सभी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगत्ती द्वीप, इस जगह पर सबसे अधिक कपल और शादीशुदा जोड़े आते हैं। ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। आइलैंड 9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है जिसमें करीब 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो देखा आपने, अपने ही देश में कितना खूबसूरत द्वीप है जिसके आसपास मालदीव जैसे छोटे आइलैंड कहीं खड़े भी नहीं सकते। फिलहाल तो ये जगहें थी लक्षद्वीप पर घूमने की, लेकिन आप यहाँ आकर क्या क्या कर सकते हैं वो भी बता देते हैं आपको। यॉट क्रूज, अगर आप लक्षद्वीप घूमने जाएं तो यॉट क्रूज का आनंद जरूर ले। इस क्रूज के जरिए आप समुद्र के नीले पानी और बोटिंग का लुत्फ ले सकते हैं। यही नहीं, आप नजदीक के समुद्र के जीव को छू भी सकते हैं। स्कूबा डाइविंग, लक्षद्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं जिन्हें स्कूबा डाइविंग करना पसंद है, तो अपना ये शौक आप भारत में ही रहकर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है सिर्फ लक्षद्वीप। अगर आपने कभी स्कूबा डाइविंग नहीं की और मन है करने का, तो देर किस बात की, लक्षद्वीप की यात्रा कीजिए और स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लक्षद्वीप का खाना, लक्षद्वीप एक समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर सी फूड सर्व करता है। सी फूड खाने के शौकीन लोग लक्षद्वीप में लाजवाब स्वाद का मजा ले सकते हैं। वैसे लक्षद्वीप के खाने में साउथ इंडियन के फूड का काफी स्वाद मिलेगा। यहाँ पर ऑक्टोपस फ्राई काफी ज्यादा प्रचलित है और एक अनोखा व्यंजन है। तो अब अगला डेस्टिनेशन आपका कहाँ होने वाला है ये तो आपको हमने बता दिया, साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल फोन और बुक कीजिए लक्षद्वीप का फैमिली टिकट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।